सो गाइस कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड आज की वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं की जाएगी। फ्रेंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत सरकार द्वारा 14 मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाली टेबलेटों पर बैन लगा दिया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी टेबलेटों पर बैन लगाया है, कौन सी टेबलेट हमें परचेस नहीं करना, कौन सी टेबलेट हमें सेल नहीं करना। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो भारत सरकार द्वारा 14 मिक्स्ड कॉम्बिनेशन टेबलेटों पर बैन लगाया गया है। जो सबसे ज़्यादा चलने वाली और सबसे ज़्यादा बिकने वाली टेबलेट और कॉमन टेबलेटों पर बैन लगाया गया है, जिससे बॉडियों पर कई ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो हम बात करेंगे कौन से प्रोडक्ट पर बैन लगाया। सबसे पहले बात करी जाए तो इसमें निमोसलाइड प्लस पैरासिटामोल डिस्पर्सिबल टेबलेट पर बैन लगा दिया गया। ना ही इसको आप परचेस कर सकते हो और ना ही इसको सेल कर सकते हो। साथ ही साथ क्लोरफेनरामाइन इस टेबलेट पर, ब्रोमहेक्साडीन, कोडीन ऐसी अन्य कई टेबलेटों पर बैन लगाया गया है। फेनरामाइन जो एविल इंजेक्शन है, जो मोस्ट कॉमनली इंजेक्शन है और जो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला इंजेक्शन है, इस पर भी सरकार ने बैन लगाया है। तो इन सारी दवाइयों पर सरकार ने बैन लगा दिया गया। एमोक्सिलिन टेबलेट एक एंटीबायोटिक टेबलेट है और इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके बिकने वाली है टेबलेट है। इस टेबलेट पर भी सरकार ने बैन लगा दिया गया है, जिसमें आपने नाम सुना होगा ऑगमेंटिन टेबलेट, एमोक्सिक्लिप टेबलेट, एलमॉक्स कैप्सूल। ये सारी एंटीबायोटिक कैप्सूल पर सरकार ने बैन लगा दिया गया है। ऐसे 14 प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग टैबलेट्स इन्होंने सरकार ने बैन लगा दिया गया। अब इसको ना ही आप परचेस कर सकते हो और ना ही इसको सेल कर सकते हो। जैसे कि ब्रोमहेक्साडीन, क्लोरफेनरामाइन, फेनरामाइन, पैरासिटामोल और एमोक्सिलिन, पोटेशियम क्लोबिनेट, ऐसी 14 प्रकार की दवाइयों पर सरकार ने बैन लगा दिया गया। आप ना इसको परचेस कर सकते हो ना ही सेल कर सकते हो। तो मेरे आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी या वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।